राजपूत आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। डॉक्टर में राजपूत बागपत कोट रोड इधर का बागपत के रहने वाले हैं और अमीर राजपूत मोहम्मद वकील राजपूत पूरा नाम है हमारा। मेडिकल लाइन में कब से है और कहां से ये डिग्री आपने हासिल की? मेडिकल लाइन में 2010 से है, 2010 से दरभंगा यूनिवर्सिटी बिहार से डिग्री हासिल की थी बीएमएस। अच्छा, मेडिकल लाइन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है लेकिन आपने सेक्सोलॉजिस्ट ही क्यों चुना? उसका रीजन है कि आसपास बड़ौद क्षेत्र में या बड़ौद से आगे आप चले जाओ कोई भी डिग्रीधारी डॉक्टर नहीं है। जो भी हमारे आसपास कांदला है, गंगेरू है, यहाँ सभी जो झोला छाप बैठे हुए होते हैं वो पट्टी का डॉक्टरी गुप्तरोग से करते हैं जिससे पेशेंट को काफ़ी हानिकारक होता है। कभी कभी इनको जो है पेनिस में काफ़ी खतरनाक इन्फेक्शन हो जाते हैं जिससे उनको पेनिस में कटने तक की भी खतरा हो जाता है। इसलिए हमने इस क्षेत्र में कोई भी डिग्रीधारी डॉक्टर ना होने की वजह से अपने क्षेत्र में बागपत, बड़ौद, कांदला, शामली, इस रीजन के कारण कोई भी जब सेक्सोलॉजी डॉक्टर नहीं था तो हमने यहाँ पे सेक्सोलॉजिस्ट बनना पसंद किया। आपका क्लिनिक जनता और जन्नत दो नामों से जाना जाता है, दोनों के मायने अलग है। जनता क्लिनिक जो है मैम, जनता क्लिनिक केवल गुप्त रोग विशेषज्ञ है और जनता क्लिनिक को जो अवार्ड मिले हैं वो केवल गुप्त रोग के ऊपर ही मिले हैं। जन्नत एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोरीपुर मोड़ बागपत, ये जन्नत हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। सर, फिल्म इंडस्ट्री से मलाइका अरोड़ा और जैकी श्रॉफ जैसे लोगों ने आपको अवार्ड भी दिया है। मलाइका अरोड़ा से पहले हमको जो अवार्ड दिया गया था वो बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट दिल्ली एनसीआर जैकी श्रॉफ के द्वारा दिया गया था जी। वो रेडिसन ब्लू होटल दिल्ली में दिया गया था। उसके बाद जो अवार्ड दिया गया 2019-20 में मलाइका अरोड़ा के द्वारा दिया गया होटल युगांतर ताज दिल्ली। 2019 में आपको नंबर 1 सेक्सोलॉजिस्ट भी कहा गया है, बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट इन इंडिया मलाइका अरोड़ा के द्वारा दिया गया था। वो आपको जो अवार्ड हमें दिया गया था मलाइका अरोड़ा के द्वारा 2019 और 2020 के अंदर बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट इन इंडिया जी नंबर 1 2019-20 में वो होटल युगांतर ताज दिल्ली में दिया गया था एक्टर मलाइका अरोड़ा के द्वारा। आज के दौर की अगर बात देखें तो सेक्स से रिलेटेड काफी सारी नई बीमारियां हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं? सबसे मेन जनरेशन जो आज का खान पीन है, सबसे मेन चीज तो खान पीन है, उसके साथ जो ये इंटरनेट और जो मोबाइल चल गए हैं इसकी वजह से सेक्स पे काफी नई जनरेशन को दिक्कत आ रही है। अगर वो फेसबुक भी खोलता है तो कहीं ना कहीं उसमें अश्लील वीडियो या अश्लील कोई भी चित्र उसमें आ जाता है, उसको ना चाहते हुए भी उसको खोलना पड़ता है। उसको जाके उसको जब वो देखता है तो उसका गलत इफेक्ट उसकी बॉडी पे पड़ता है और ना चाहते हुए भी अपने शरीर को साथ दुर्भाग करता है। तो सब समाज के लिए, युवाओं के लिए खासकर एक मैसेज जनता और जन्नत क्लिनिक की तरफ से आपके द्वारा? समाज में हम नई जनरेशन से यही चाहेंगे कि वो मोबाइल का, नेट का प्रयोग करें लेकिन अपने शरीर के साथ गलत खिलवाड़ ना करें। मानता हूँ आप नए नए फ़ोन 25-30 हज़ार या 50-50 हज़ार के नई जनरेशन के 1 लाख रुपए के फ़ोन रखते हैं, आप 10 हज़ार का फ़ोन छोड़ो 50 हज़ार का फ़ोन रखो लेकिन उसका दुरुपयोग अपनी बॉडी पे मत होने दो। सब जैसे आपने बताया कि आसपास कोई दूसरा सेक्सोलॉजिस्ट यहाँ पर नहीं है तो आपके पास कहाँ कहाँ तक के पेशेंट आते हैं? हमारे पास सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, इलाहाबाद तक पेशेंट आते हैं और यही एक रीजन है कि आपको जो है 2019 और 2020 का जो अवार्ड मिला है। आपके आसपास क्षेत्र में कोई भी हमारी जो है आसपास कोई भी डॉक्टर इस लेवल का नहीं है जिसको 2019 और 2020 में बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट इन इंडिया का अवार्ड दिया गया हो। वो अवार्ड 2019 और 2020 में सिर्फ हमें दिया गया है और उसके बाद कोरोना काल लग गया है, कोरोना काल की वजह से कोई अवार्ड फंक्शन नहीं हो पाया है। नेक्स्ट आगे भी कोशिश ये रहेगी कि जो अवार्ड आता है तो शायद वो हमारे पास ही आए।
एमवी राजपूत प्लीज कम ऑन द स्टेज टू रिसीव योर अवार्ड फॉर द बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट इन दिल्ली एंड एनसीआर फॉर योर क्लिनिक दैट इज जन्नत क्लिनिक. Alright, ladies and gentlemen, the next award is the best sexologist of India, and the award goes to Janta Clinic. A round of applause for Mr. M.V. Rajput. I request them to please come forward for the next award.